हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल, मैं आप सबके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। साथ ही साथ ये वीडियो हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। पहले सेट में हम लोगों ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से मतलब 10 क्वेश्चन किया, अभी 11 से क्वेश्चन करेंगे। सो ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, ध्यान रखना। सो मुझे पता है असम का बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है फ्लड के वजह से, और मेरा इधर भी, मेरा घर पे पानी भी है। सो इसमें भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप सबके लिए। सो आप लोग भी टाइम निकाल के किसी तरह मतलब वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो बाद में देखना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेसेस वाज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए आर्यन सिविलाइजेशन, नंबर 2 मेडिटेरियन सिविलाइजेशन, नंबर 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन, नंबर 4 लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, जिन्होंने मतलब ये एंशियंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान रखना। थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देख लेंगे एक बार। सो इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फिगर नेस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली, सम स्कॉलर बिलीव दैट हरप्पन पीपल इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हरप्पन पीपल वर्शिप ए मदर गॉड सिम्बलाइजिंग द फर्टिलिटी, ए कॉमन प्रैक्टिसेस एमोंग रूरल हिंदूज, ध्यान रखना इवेंट टूडे अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यानी आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अलेक्जेंडर एंड पोरस फॉट ए बैटल एट, नंबर 1 हाइडस पास, नंबर 2 झेलम, नंबर 3 पानीपत, नंबर 4 थराइन। सो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 हाइडस पास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट था और ये बहुत ज़्यादा फेमस फाइट है, ध्यान रखना। सो इसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। द बैटल ऑफ हाइड पासेस रिवर वॉज फॉट बाई अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 326 BC, ध्यान रखना कब फोर्ट हुआ था ये, 326 BC अगेंस्ट द किंग पोरोस ऑफ द हिंदू पोरोबा किंगडम ऑफ द बैंक ऑफ द हाइड पास, ध्यान रखना। इसको हम लोग इसमें ओहेलम रिवर भी कहते हैं। सो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं बोल दूंगा इसको पोरोस, जो हाइड पास रिवर को कौन सा मतलब रिवर कहते हैं अभी, इन द पंजाब नियर बहरीन व्हाट इज नाउ मॉडर्न डे पाकिस्तान, ध्यान रखना। द बैटल रिजल्टेड इन ए कम्प्लीट मैसिडोनियन विक्ट्री एंड द एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब, मैसिडोनियस यानी अलेक्जेंडर का विक्ट्री हुआ था, उसके बाद एनेक्सेशन कर लिया पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यानी आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन। महाबलीपुरम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट इन द आर्ट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के देता हूँ। ऑप्शन ए यानी पल्लवास, नंबर 2 चेरास, नंबर 3 पांड्यास, नंबर 4 चालुक्यास। सो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 पल्लवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ सब सिर्फ आपके लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड महावीरा डाइड एट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 श्रवण बेलागोला, नंबर 2 लुम्बिनी गार्डन, नंबर 3 कला गुमलाई, नंबर 4 पापापुरी। सो कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, उसके बाद एट द एंड मुझे बताना किसका कितना करेक्ट हुआ आउट ऑफ 10। सो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 पापापुरी। पावापुरी इज ए होली साइट ऑफ द जैन लोकेटेड इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ध्यान रखना कहाँ पे है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार पे है। अराउंड 500 BC लॉर्ड महावीरा द लास्ट ऑफ द 24 तीर्थंकरास, ध्यान रखना कितने तीर्थंकरास है, 24, अचीव मोक्ष एंड निर्वाणा। ही वॉज क्रिमिटेड एट पावापुरी ऑल्सो नोन एज अपापुरी द सिनलेस टाउन, ध्यान रखना यह सिनलेस टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यानी आज का नंबर 5 क्वेश्चन। द गोल्ड कॉइन्स वायर इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 द कुशानास, नंबर 2 द ग्रीक्स, नंबर 3 द शाकास, नंबर 4 द पार्थियंस। सो कौन सा करेक्ट होगा, सो इसका राइट आंसर है नंबर 2 द ग्रीक्स, ध्यान रखना। द इंडो ग्रीक किंग वेयर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया एंड देयर कॉइन्स वेयर स्पेशल इन द सेंस दैट ईच
किंग हैड हिज ओन डिस्टिंक्टिव कॉइन बाई विच ही कुड बी डेफिनेटली आइडेंटिफाइड, मतलब हर किंग का अपना खुद का मतलब अलग अलग कॉइन रहता है जिससे मतलब किंग को फाइंड कर सकते हैं ये उस किंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी कॉन्क्वायर्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कौन सा जो नीचे डायनेस्टी दिया गया वो श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कॉन्क्वायर कर लिया था। नंबर 1 द पांड्यास, नंबर 2 द चालुकियास, नंबर 3 द चोलास, नंबर 4 देख लेते हैं, नंबर 4 द राष्ट्रकूटस। सो राइट आंसर होगा नंबर 3 द चोलास। सो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। द चोला ने भी प्लेड ए वाइटल रोल इन द एक्सपांड ऑफ द चोला एम्पायर, ध्यान रखना चोला जो डायनेस्टी का जो इम्पोर्टेंट क्या था चोला ने भी। सो इंक्लूडिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सीलन यानी श्रीलंका, सीलन आइलैंड एंड सी विजया प्रेजेंट इंडोनेशिया, द स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म ड्राविडियन आर्किटेक्चर एंड ड्राविडियन कल्चर टू साउथ ईस्ट एशिया एंड कार्विंग द पायरेसी इन द साउथ ईस्ट एशिया इन 900 CE मतलब कॉमन एरा। इंस्क्रिप्शन एंड हिस्टोरिकल सोर्सेस एसर्ट दैट मेडिवल चोला किंग राजेंद्र चोला वन, ध्यान रखना सेंट नेबल एक्सपीडिशन टू इंडो चाइना, राजेंद्र चोला जिन्होंने नेबल एक्सपीडिशन किया था किधर इंडो चाइना पे, द मलाय पेनिनसुला एंड द इंडोनेशियन आर्किपेलिगो इन 1025 इन ऑर्डर टू सबड्यू द श्रीविजया एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी वॉज, नंबर 1 जयसिम्हा, 2 नंबर 2 विक्रमादित्य, 6 नंबर 3 शमशेरा, 2 नंबर 4 पुलकेशिन 2। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 यानी पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाई, नंबर 1 कालिदासा, पिछले जो मेरा वीडियोस जिन्होंने देखा जो मॉक टेस्ट नंबर 1 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का उसमें मैंने इन डिटेल में थोड़ा सा बोला था हर्ष चरित्र के बारे में। सो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना। नंबर 1 कालिदासा, नंबर 2 भानुभट्ट, नंबर 3 वाल्मीकि, नंबर 4 व्यास। सो कौन सा करेक्ट होगा, राइट आंसर इज नंबर 2 भानुभट्ट, ध्यान रखना। द हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी, ये बायोग्राफी ऑफ द इंडियन एम्पायर हर्षा बाई भानुभट्ट, हु ऑल्सो नोन एज भाना, हु वॉज द संस्कृत राइटर 7th सेंचुरी, ध्यान रखना सेंचुरी याद रखना कभी मतलब ऐसे क्रोनोलॉजी दे देगा। सो आप लोग सेंचुरी भी ध्यान रखना। ही वॉज द अस्ताना कवि मीनिंग कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षा, किंग हर्षा के अस्ताना कवि यानी कोर्ट पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिपिटका इज द रिलीजियस बुक ऑफ, नंबर 1 जैन्स, नंबर 2 शिख्स, नंबर 3 बुद्धिस्ट, नंबर 4 हिंदूस। सो कौन सा करेक्ट होगा, राइट आंसर इज नंबर त्रिपिटका किसका है, सो नंबर 1 इज करेक्ट जैन, ध्यान रखना। सॉरी जैन नहीं बुद्धिस्ट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। त्रिपिटका इज द 3 मेन कैटेगरी ऑफ द टेक्स्ट मेक अप द बुद्धिस्ट कैनॉन, ध्यान रखना। एज द नेम सजेस्ट बाई द त्रिपिटका ट्रेडिशनली कंटेन 3 बास्केट, एक है सूत्र पिटका, नंबर 2 विनय पिटका एंड अभिधर्म पिटका। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वॉज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील, नंबर 1 टेराकोटा, नंबर 2 ब्रॉन्ज, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 आयरन। सो कौन सा करेक्ट होगा, राइट आंसर इज नंबर 1 टेराकोटा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।